जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हरशंकर चक्रवर्ती। अपने चैनल बॉन्कलिंग होटल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम आपको हमारे गांव की दुर्गा माँ की विसर्जन दिखाएंगे। पूजा तो हम दिखा नहीं पाए क्योंकि पूजा के समय हम भुवनेश्वर में थे और कल आए हैं, और हमारे घर में कल मूर्ति का पूजन थी तो वहाँ पर हम थोड़े व्यस्त थे, तो माँ की पूजा का वीडियो तो हम आपको दिखा नहीं पाए, लेकिन माँ के विसर्जन का वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। ये है हमारी गांव की माँ दुर्गा, और जैसा मैंने हमारी जो काली पूजा की मूर्ति का पूजन और मूर्ति का निर्माण की वीडियो में हमने कहा था कि हमारे जो मूर्तिकार थे उनकी बेटी ने ये मूर्ति बनाई है और बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। और ये जो आरती कर रहे हैं ये दुर्गा माँ के मुख्य पुजारी हैं। अभी माँ की आरती हो रही है, माँ की वंदना होगी और उसके बाद माँ जाएंगे विसर्जन होने के लिए। घट विसर्जन तो हो चुका है, माँ की जो मृण्मयी मूर्ति है उनका विसर्जन होगा। और ये जो है बंगाली दुर्गा है, और थोड़ी दूर पर उड़िया लोगों का भी पंडाल है जहाँ पर वो अपने माँ की पूजा करते हैं, लेकिन उनका विसर्जन बहुत बाद में होगा क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस वहाँ पर होने वाले हैं। लेकिन बंगाली में ऐसा नहीं होता, एकादशी के दिन ही माँ का विसर्जन होता है। माँ पानी में जाती हैं, और माँ की मूर्ति के पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो हमारे बंगाली पड़ा के जो कृष्ण भगवान हैं राधा रमन जी, उनका मंदिर है, काफ़ी पुराना मंदिर है। तो अभी माँ की आरती समाप्त हो गई है और माँ निकल रहे हैं विसर्जन होने के लिए। अभी वो जाएंगे और हमारा जो महादेव मंदिर है उसके सामने माँ रहेंगे, और महादेव और माँ दुर्गा का वहाँ पर साक्षात्कार होगा, और उसके बाद ही माँ जाएंगी विसर्जन होने के लिए। तो अभी ये जो पूरा एरिया है ये पूरा बंगाली एरिया है। और यहाँ पर हमारा महादेव जी का मंदिर है, ये हमारा मंदिर है, और यहाँ पर माँ थोड़ी देर के लिए रहेंगी। माँ काली भी जब विसर्जन होने के लिए जाती हैं तब भी वो यहाँ पर रुकती हैं, महादेव के साथ उनका साक्षात्कार होता है, फिर वो विसर्जन होने के लिए जाती हैं। और देखिए साइड में एक पाल बंधा हुआ है, वहाँ पर हमारी मूर्ति का पूजन हुई थी माँ काली के लिए। सामने ही नदी है और मंदिर है, और मंदिर के पास ही मूर्ति का पूजन हुआ था। तो अभी ये पाल बंधा हुआ है मंदिर के साइड में, आपको दिख रहा वही मूर्ति का पूजन की जगह है। और यहाँ पर माँ आ गई हैं महादेव जी के साथ साक्षात्कार करने के लिए। मंदिर के सामने थोड़ी देर रुकेंगी और उसके बाद माँ जाएंगी। तो अभी मंदिर के सामने माँ और महादेव जी का साक्षात्कार हो चुका है, तो अभी माँ जा रही है विसर्जन होने के लिए, और ताकि अगले साल माँ जल्दी जल्दी आएँ। इस तरीके से जब हम विसर्जन करते हैं देवी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरों को क्या लगता है हमको नहीं पता, लेकिन जब भी हम इस तरीके से देवी को विदा करते हैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी थोड़ी दूर पर जैसा मैंने कहा कि हमारे नदी का घाट है, छोटी सी नदी है, उसका नाम है जूणभद्रा। तो ये जूणभद्रा नदी का घाट है, यहाँ पर हमारे घट जाते हैं घट स्थापन होने के लिए, और देवी का विसर्जन भी यहीं पर होता है। अगर मैं आने वाले साल में भी ऐसे वीडियो अपलोड करती रहूँगी तो मैं ज़रूर अपने गांव के दुर्गा पूजा आपको दिखाऊंगी। लेकिन जैसा मैंने अपने काली पूजा मूर्ति का पूजन के वीडियो में कहा है कि मैं काली पूजा तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कार्तिक पूर्णिमा तक ही वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद नहीं करूँगी। तो कार्तिक पूर्णिमा महीना ख़त्म होने के साथ साथ हमारे चैनल पर वीडियो आना भी बंद हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं। जय जगन्नाथ, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा।